गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल कवर द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. इन द लास्ट 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 कार्नेटिक वॉर्स, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर एंड 1 इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनेक्सेशन नेम्ड द सब्सिडरी अलायंस. Today I will continue from the second indirect method of the annexation, the doctrine of Lepes. Under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856, a new scheme for indirect annexation was devised. तो जो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, वो कब तक था? 1848 टू 1856. तो उसने क्या किया, एक न्यू स्कीम लेके आया इनडायरेक्ट एनेक्सेशन की, जिसका नेम था डॉक्टरीन ऑफ लैप्स. अकॉर्डिंग टू द डॉक्टरीन, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल ईयर, हिज किंगडम वुड लैप्स एंड इट वुड बी टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट. द राइट ऑफ अडॉप्शन वॉज डिनाइड टू द इंडियन रूलर्स. तो इस जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था, अगर किसी किंग का आगे उसका बेटा नहीं है उसके जो किंगडम को संभालने के लिए, तो वो क्या है, उसका एरिया कौन हायर कर लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, किसी और इंडियन रूलर के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे राजा का जो किंगडम है वो ले ले, अगर उसके आगे कोई भी उसकी जो औलाद है वो नहीं है संभालने के लिए. मेल ईयर मतलब उसका जो मेल मीन्स कोई उसका आगे बेटा नहीं है संभालने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सारा एरिया खुद कवर करेगी. In 1856, Dalhousie also took over the kingdom of Awadh with the reason that it was being misgoverned. तो क्या किया, डलहौजी ने जो किंगडम का अवध का किंगडम था उसको सारा अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया, क्योंकि उसको ये रीज़न दिया कि तुम इसको अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे. Thus, taking advantage of the political disunity among the Indian rulers, the East India Company transforms itself from a trading company to strong colonial power. तो क्या हुआ, जो Indian rulers थे उनके उनके बीच में क्या था कि political उनके बीच में कोई disunity नहीं थी, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे. तो उसके बाद क्या था, इस चीज़ का benefit लिया East India Company ने, वो एक trading company की जगह अब क्या बन चुकी थी, strong colonial power. सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी वर annexed by applying the doctrine of Lepes. तो जो झांसी है वहाँ पर भी कौन थी, झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई थी. तो वहाँ का जो झांसी को भी उन्होंने कैसे लिया था, यही पॉलिसी के साथ कि वहाँ पर कोई जो उसको संभालने वाला जो आगे उनका कोई उसका पुत्र नहीं था, तो उन्होंने इसको हड़प लिया. नेक्स्ट हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, 3 पिलर के ऊपर डिपेंड था, सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस. सिविल सर्विसेज पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश द इंडियन सिविल सर्विसेज बिकॉज ओनली वेन ट्रेंड सिविल सर्वेंट कुड टेक अप द चैलेंज ऑफ गवर्निंग द इंडियन टेरिटरीज. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सिविल सर्विसेज का जो किसने एस्टेब्लिश की थी इंडिया के अंदर, तो किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. क्यों की थी, क्योंकि जो वेल ट्रेंड सिविल सर्वेंट थे वो ही सिर्फ जो इंडियन टेरिटरी को संभालने का चैलेंज ले सकते थे, जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग थी. लॉर्ड कॉर्नवालिस ट्राई टू मेक द इंडियन सिविल सर्विसेज ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट बाय इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स एंड बाय फिक्सिंग द रूल दैट प्रमोशन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी. तो उसने क्या किया, लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था उसने क्या किया, जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसके अंदर उसने क्या किया कि जो बहुत ईमानदार और उसको इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश की. कैसे, कि दो तरीक़ों से. एक तो उसने क्या किया, उनकी जो ऑफिसर्स की सैलरी थी वो बढ़ा दी, और एक रूल और उसने फिक्स कर दिया कि प्रमोशन सीनियोरिटी के बेस पे ही होगी, जो सबसे सीनियर है उसकी पहले. ठीक है, तो ये जो टू रूल्स उसने इम्प्लीमेंट किए थे जो इंडियन आर्मी को सिविल सर्विसेज को मोस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. द ऑफिसर्स वर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स. तो ऑफिसर्स को अलाउ नहीं था कि तुम रिश्वत लो या किसी भी तरह का किसी से कोई गिफ्ट लो.
Till 1853, all appointments to the civil services were made by the directors of the East India Company, but after 1853, all the civil servants were recruited through a competitive examination. तो सबसे पहले 1853 से पहले क्या था, जितने भी सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे उनको क्या थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे वो उनको हायर करते थे, रिक्रूट करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू कर दिया, उसके बेसिस पर सिविल सर्विसेज के अंदर जो सिलेक्शन होती थी. A special feature of the Indian civil services was that Indians were almost completely excluded from it. All high posts in the administration were held by the Englishmen. तो एक feature civil services की क्या थी, जो Indians थे उनको तो completely exclude किया था, बाहर निकाला हुआ था. और जो क्या थी, जो सारी high posts थी वो कौन रखता था, अंग्रेज रखते थे, Englishmen. The British did not trust that the Indians would follow British policy in India, and Indians were, however, appointed in large number to subordinate posts at the lower salary with the thought that they were much more readily available as compared to the Englishmen. तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर थे उनको ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं था इंडियंस के ऊपर कि जो वो जो अंग्रेजों की पॉलिसी है जो वो लागू करना चाहते हैं कि वो इंडिया के अंदर इंडियंस लागू नहीं कर पाएंगे. उनको क्या था, भरोसा नहीं था कि इंडियंस हमारी पॉलिसीज़ को इंडिया के अंदर लागू करेंगे. तो उन्होंने ये सोचा कि इंडियंस को बड़ी पोस्टों के लिए हायर ही नहीं करते, जो सबऑर्डिनेट की लोअर लेवल की पोस्टें थी उनके ऊपर इंडियंस को हायर कर लिया. उन्होंने सोचा कि जो लोअर पोस्ट्स के लिए इंडियन हमें काफ़ी मिल जाएंगे और उनको सैलरी भी कम देनी पड़ेगी. तो उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट पोस्टर्स पर इंडियंस को रिक्रूट किया, बहुत कम सैलरी पे, लोअर सैलरी पे. द फर्स्ट इंडियन टू पास द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन किसने पास किया था, रविंद्र नाथ टैगोर के भाई ने, जिनका नेम था सत्येंद्र नाथ टैगोर. आर्मी, सिविल सर्विसेज के बाद सेकंड पढ़ेंगे आर्मी, देन थर्ड पढ़ेंगे पुलिस. द सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज द आर्मी. तो सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर इनका कौन सा था, आर्मी. विद द हेल्प ऑफ द आर्मी द ब्रिटिश डिफीटेड द इंडियन रूलर्स, डिफेंडेड द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द फॉरन राइवल्स, सप्रेस्ड द इंटरनल रिवॉल्ट, एक्सटेंडेड द ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका. तो सेकेंड जो सबसे बड़ी इनकी ताकत, इनका सबसे बड़ा पिलर कौन सा था, इनकी आर्मी. और आर्मी की हेल्प से ये क्या करते थे, जो इंडियन राजा थे, किंग्स थे, उनको हरा देते थे, ठीक है. उनका जो एम्पायर था, जो जो ब्रिटिश एम्पायर था उनका, उनको जो फॉरेन और उनके कॉम्पिटिटर थे जैसे डच हो गए, पोर्तुगीज़ हो गए, उनको हरा देते थे. जो उनका इंटरनल रिवॉल्ट होता था, आपसी लड़ाई होती थी, वो ख़त्म कर देते थे. ऐसे करते करते उन्होंने अपनी आर्मी के बेस्ड, आर्मी पे डिपेंड होके उन्होंने क्या किया, काफ़ी पार्ट जो एशिया का और अफ्रीका का अपने अंडर कर लिया गया. द मेजर पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी कंसिस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स. तो क्या थे, जो ज़्यादा पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का वो किसके अंदर कंसिस्ट था, इंडियन सोल्जर्स. हाउएवर द ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी वर एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश. ऑफिसर्स कौन थे, ब्रिटिशर थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पार्ट था वो इंडियंस थे. नो इंडियन सोल्जर कुड राइज अबव द रैंक ऑफ द सूबेदार. लेकिन उनको क्या थे, लोअर पोस्टर्स पे ही रखते थे, किसी को सूबेदार का से रैंक से ऊपर कोई रैंक ही नहीं देते थे. उसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे पुलिस. द थर्ड पिलर ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज द पुलिस फॉर्म्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो ये भी इसने फॉर्म किया था पुलिस को. ही इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम इन विच ए डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ थानास, ईच अंडर अ दरोगा हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन हर एरिया. तो क्या था, ये पुलिस का जो सिस्टम चलाया वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया. इसके अंदर क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट हमारा एक जिला होता है उसको अलग अलग थानास के अंदर डिवाइड कर दिया. ईच थाना, जो हर एक थाना था उसको कौन मैनेज करता था, कौन मेंटेन करता था, दरोगा. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि तुम अपने एरिया के अंदर कोई ना कोई रूल ऑर्डर लागू करोगे, और क्या है वहाँ पर जो पीस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शांति की, वो तुम्हारी है. द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वॉज द हेड ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता था, सुपरिटेंडेंट.
In the police service also, Indians were excluded from the superior posts. Apart from trying to end crime like dacoity, the police was also responsible for suppressing the rise of an nationalist movement. तो क्या दिया है इसके अंदर कि सेम वो पुलिस आ गई, पुलिस के अंदर ब्रिटिशर्स भी थे, इंडियंस भी थे, सेम आर्मी की तरह पुलिस को भी, जो पुलिस के अंदर इंडियंस होते थे उनको भी छोटी पोस्टों के ऊपर रखा जाता था, और जो हायर पोस्टेज थी वहाँ पर तो बिल्कुल ही हायर पोस्टों के लिए तो इंडियंस को बिल्कुल भी नहीं रखा जाता था. नेक्स्ट है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिस्पेंस जस्टिस थ्रू ए नंबर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन 1865. ठीक है, तो तभी किसी जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई जमीन का हो गया कुछ भी, तो उनके ऊपर फैसले कैसे होते थे, तो ब्रिटिशर्स का ने ये डिसाइड किया था कि ये जो जस्टिस है किसी को वो मिलेगा टू कोर्ट्स के थ्रू, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट. तो द हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश एट कैलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे. तो हायर कोर्ट कहाँ पे थे, इन तीन जगह पे. इन इंडिया ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. दिस मीन्स दैट देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द लॉज विच डिफाइन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, नॉट अकॉर्डिंग टू द व्हिम्स एंड फैंसीज ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज. तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू रूल है, जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. उनका मतलब था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन कानूनों के हिसाब से चलेगा, जो ये उनका लॉ था वो डिफाइंड करता था कि कौन से रूल्स, कौन से राइट है लोगों के पास, कौन सी उनकी ड्यूटीज़ हैं. ठीक है, ये जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये जो हम रूल पास कर रहे हैं एक लॉ का, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ मैनेज होगा. दिस मीन्स दैट ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, क्लास, लैंग्वेज एंड जेंडर. उन्होंने क्या कहा था कि जो इस जो कानून के अकॉर्डिंग क्या है, सारे पीपल इक्वल हैं. ठीक है, किसी के साथ कास्ट के बेस पर, धर्म के बेस पर, किसी की भाषा या फिर मेल है या फीमेल है, उस बेस पर उससे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, हमारे लिए सारे पीपल इक्वल हैं. बट इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज नॉट ऑलवेज प्रैक्टाइज्ड. बट ये जो इक्वालिटी है ये क्या है, हर जगह पे प्रैक्टाइज नहीं हुई. द यूरोपियन हैड सेपरेट कोर्ट एंड इवन लॉज. जो यूरोपियन थे उनके अलग कोर्ट थे, उनके अलग कानून थे. इन क्रिमिनल केसेस दे कुड बी ट्राइड ओनली बाय यूरोपियन जजेस. क्रिमिनल केस होता था तो उनको जो यूरोपियन जज है वो ही जस्टिस करता था, वो ही उनके केसेस को देखता था. मोर ओवर जस्टिस बिकेम एक्सपेंसिव ड्यू टू द कोर्ट फीस, लॉयर फीस एंड एक्सपेंसिस ऑफ द विटनेसेस. तो क्या था, जो जस्टिस बहुत महंगा हो गया था, वैसे फीस दो, लॉयर की फीस दो, वकीलों को दो, उसके बाद जो विटनेस के एक्सपेंसिस होते हैं वो. कोर्ट्स वर ऑफन सिचुएटेड एट डिस्टेंस टाउन. दो कोर्ट्स भी बड़े दूर दूर होते थे. केसेस ड्रैग्ड फॉर मैनी ऑन फॉर ईयर्स. तो केस भी काफ़ी लंबे चलते थे. द कॉम्प्लिकेटेड लॉज वर बियॉन्ड द ग्रेस्प ऑफ द इग्नोर एंड इलिटरेट पेजेंट्स. द रिच कुड टर्न एंड ट्विस्ट द लॉ इन देयर फेवर. तो क्या करते थे, जैसे इलिटरेट, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो क्या होता था, जो रिच अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे, जस्टिस को अपने फेवर में ले लेते थे. Thus, justice became costlier and involved long delay in the settlement of the court cases. Now the East India Company transformed into a territorial power. तो अब तक क्या था, वो जो एक superior power से अब वो territorial power के अंदर East India Company क्या है, transform हो चुकी थी. At the same time elsewhere, in order to capture the profitable trade of India, the British started smuggling opium into China. Opium बोलते हैं अफीम को. तो क्या है, profitable मतलब सबसे महंगा ये trade था opium का, तो British ने smuggling करनी शुरू कर दी China के साथ opium की. They knew that the profits from the opium trade would help them finance their trade. उनको पता था कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, तो ये हमारे trade के लिए अच्छा है, हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा. Alarmed by this dangerous trade, the Chinese government tried to stop it. तो Chinese government ने इसको रोकना चाहा. This led to the opium wars between Britain and China. तो China ने रोकना चाहा, इससे अंग्रेजों और Chinese के बीच में क्या हो गया, वॉर हो गया. 1839 to 42 तक चला.
जिसके अंदर क्या हुआ, चाइनीज़ वर डिफीटेड, चाइनीज़ हार गए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स वर इम्पोज ऑन चाइना बाय द ब्रिटिश, इस हार गए तो इससे क्या हुआ, उन्होंने जो एक्स्ट्रा राइट थे वो भी चाइना पर लागू कर दिए। द चाइना हैड टू ओपन 5 पोर्ट्स फॉर ब्रिटिश वेयर दे कुड ट्रेड विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। तो चाइना को जो अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए 5 पोर्ट्स अपने और ओपन करने पड़े, और वहाँ पर अंग्रेज लोग क्या थे, कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते थे। हांगकॉन्ग वॉज ऑल्सो गिवन टू द ब्रिटिश ऑन ए 19 ईयर्स लीज, हांगकॉन्ग भी उनको ब्रिटिशर्स को दे दिया 99 ईयर्स के लिए लीज पर। द ब्रिटिश अप्लाइड देयर ओन लॉज इन दीज पोर्ट्स टू, तो जो ब्रिटिशर थे वो क्या करते थे, इन पोर्ट्स पर अपने ही जो लॉज हैं, अपने ही क्या है, कानून को लागू करते थे। उसके बाद है पीपल हु मेड द डिफरेंस, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर एंड द फाउंडर ऑफ द इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस एंड इंडियन सोशोलॉजिस्ट इन द लंडन। ही वॉज एन एडमायरर ऑफ दयानंद सरस्वती अप्रोच ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म एंड द थॉट ऑफ द हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर्स थॉट मेड हिम रेडिकल इन हिज वेज ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये उसके बारे में लिखा है, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में, जो बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे, वकील थे, और उन किसके फाउंडर थे, इंडियन होम रूल सोसाइटी के, ठीक है, और इंडियन हाउस के, और फाउंडर थे 3 चीज़ों के थे, होम रूल सोसाइटी के, इंडिया हाउस के, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन द लंडन। वो क्या थे, जो एडमायरर थे स्वामी दयानंद, जो हमारे सरस्वती थे, उनकी अप्रोच के, जो कल्चरल नेशनलिज्म के, और द थॉट ऑफ द हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी चेंजेस लाए, और ये था पूरा चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये डन हो चुका है, अगर कोई डाउट है इसको अच्छे से 4 पार्ट्स वीडियो के अच्छे से देखना, अगर कोई डाउट है तो फिर पूछना। थैंक यू सो मच।